देखो यार, इस टाइम एक फेक न्यूज चलाई जा रही है कि इमामुल हक ने ड्रेसिंग रूम की बातों को लीक किया है। देखो यार, ये पेड कैंपेन चलाई जा रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट, और खास तौर पर उन प्लेयर्स के खिलाफ जो बाबर आजम के ज्यादा करीब हैं, ताकि बाबर आजम पर प्रेशर बिल्ड किया जाए, मीडिया में उसके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई जाए, और जो उसने एक यूनिटी वाला जो एक चीज बनाई हुई है ना, उसको तोड़ा जाए। तो आपने इस तरह की किसी भी खबर पर यकीन नहीं करना है, और किसी भी प्लेयर पर इस तरह कोई इल्जाम नहीं लगाना है। इमामुल हक बाबर आजम के साथ बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, यह बात आपने हमेशा याद रखनी है।